वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2021 वैकेंट पोस्ट है 2558, एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ीस भी ₹100 ओनली, केवल ₹100 एप्लीकेशन फ़ीस है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, 10th पास एलिजिबिलिटी है और वैकेंट पोस्ट 2558 है। चलिए हम कंप्लीट डिटेल लेते हैं आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। ये इसकी मेन वेबसाइट है जहां से आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। पहले हम इसके डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन का। इसमें जो पोस्ट निकल कर आ रही है वो पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, उसी के अलावा एक थर्ड डाक सेवक की। ये टाइम के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाती है। जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर में 4 घंटे के लिए 12,000 है और 5 घंटे के लिए 14,500 इनिशियल पेमेंट दी जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें इंक्रीज सैलरी इंक्रीज होती रहती है। और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और डाक सेवक के लिए 4 आवर्स के लिए जो सैलरी मिलने जा रही है वो 10,000 है और 5 आवर्स के लिए 12,000 सैलरी मिलने जा रही है, लेकिन ये इनिशियल पे होती है और उसके बाद इसमें सैलरी अकॉर्डिंग टू टाइम इंक्रीज़ होती रहती है। इसके अलावा हम अगर बात करें एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने जैसे कि इसमें एज की पहले बात कर लेते हैं, 18 से लेकर 40 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, आप यानी 45 इयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी से हैं तो 43 इयर्स तक के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के 50 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, फिर पीडब्ल्यू प्लस ओबीसी, पीडब्ल्यू प्लस एससी एसटी, काफ़ी इसमें एज रिलैक्सेशन दी जाती है और मिनिमम 40 इयर्स है, यानी कम से कम आप 40 इयर्स के हैं या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो 40 इयर्स के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कैटेगरी से हैं तो और भी आपको एज का बेनिफिट मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास पे ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है, यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 10th के आपकी जो मार्कशीट है उसमें जो मार्क्स मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन होने जा रहा है। उसी के साथ कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इसमें एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है। और उसके अलावा इसमें जो लोकल लैंग्वेजेस दी हुई है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट के अकॉर्डिंग बताई गई है इसमें। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, नॉर्मल जो RCET वगैरह है, यहाँ जो भी आपका डिप्लोमा कोर्स है MS ऑफिस का। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें फ़ीस केवल ₹100 है और एज की भी बात हो गई है, पोस्ट भी बता दी गई है। चलिए मैं आपको फाइनल बता देता हूँ कि इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। आप इस मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे, इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट, इस यहाँ पर आके ये 3 प्रोसेस में फॉर्म है। फर्स्ट प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में फ़ी पेमेंट करनी है और थर्ड में अप्लाई ऑनलाइन, फिर बाकी की डिटेल इसमें फिल करनी है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म स्टे अपलोड डॉक्यूमेंट्स सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस प्रीव्यू एंड टेक प्रिंट आउट कंप्लीट ऑफ दिस 3 स्टेप विल ओनली बी ट्रीटेड एज अ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी तीनों स्टेप आप फिल कर देते हैं तो ही आपका सबमिशन कम्प्लीट माना जाएगा। इसमें आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो इसका है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका,
इसकी जनरल डिटेल इसमें फिल करके सबमिट कर दीजिए। लॉगिन का यानी एप्लीकेशन नंबर और अदर डिटेल आपके मोबाइल में आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें लॉगिन करके फिर इस फॉर्म को फिल कीजिए। ये जो वैकेंसीज़ है वो दो स्टेट से देखने को मिल रही है, एक छत्तीसगढ़ से 1137 पोस्ट देखने को मिल रही है और एक केरला से 1421 पोस्ट देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट है 2558 पोस्ट है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे हमें टाइम मिलता है हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।